हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमने 3 दिन पहले 2 दिन पहले ही एक शेयर दिया था जिसका नाम था चेन्नई पेट्रो, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। सारी गणित आपको समझाई थी, सब कुछ आपको बताया था कि क्यों यहाँ पर ये शेयर मुझे लगभग यहाँ से जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है इस तरह से अगर कोई खरीदता है और लगभग 6 महीने से या 1 साल का वेट करता है तो लगभग लगभग उसके पैसे 100 से 200 गुना हो सकते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, केवल 8% ही भागा है आज के दिन में। बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने पड़ी हुई है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही लीजिएगा। और आज हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसका नाम है डेनिस कैम लैब लिमिटेड। ये शेयर मुझे यहाँ से बेहतरीन तरीके से भागता हुआ नजर आता है। आज लगभग 3.52% ये शेयर अभी चढ़ा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर अभी कोई देर नहीं हुई है, शेयर काफी बेहतरीन नजर आता है। उसी चीज से रिलेटेड मैं आज बातें करूंगा, आपको फंडामेंटल टेक्निकल सब समझाऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बट उन्होंने बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा है, तो उनका वीडियो नहीं पहुंच पा रही। और वीडियो नहीं पहुंच पा रही तो जो हम शेयर बता रहे हैं वो शेयर पे आप यहाँ पर दाव नहीं लगा पा रहे, एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियोज देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सिंपल एक बटन को आपको प्रेस करना है, उसमें नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना है, ऑल के नोटिफिकेशन को सेट करना है, दैट्स इट। यही काम करना है और कुछ नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और दूसरी वीडियोस डेली बन रही है तो जाके इन्हें देख लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रो से रिलेटेड नहीं, हम बात करेंगे डेनिस कैम से रिलेटेड। डेनिस कैम लैब की अगर मैं बात करूं, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रांसफ्यूजन सॉल्यूशन इन बॉटल्स, तो यहाँ पर क्या बनाता है, कहाँ किसे कैटर करता हुआ नजर आता है, ये कंपनी कैटर करती हुई नजर आती है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को। और ये क्या करता है, आप यहाँ पर देखते हैं कि ग्लूकोज किसी को चढ़ता है, ओके, वो बॉटल जो बनती है और ट्रांसफ्यूजन सॉल्यूशन जो बनता है वो कंपनी यही बनाती हुई नजर आती है। कंपनी ऑफर्स स्टरलाइट इंटरवेनियस इंजेक्टेबल ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी फॉर ह्यूमन एंड वेटरिनरी यूज फॉर डिफरेंट थेरापेटिक एरिया सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है उसी से, यहाँ पर देखिए जो बॉटल्स की मैं बात कर रहा था, ओके, उसी में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देख लीजिए जो ये, तो आपको पता ही है ग्लूकोज मोस्टली सब यूज करती है जो ये सारी की सारी बॉटलें है, ओके, ये यूज होनी है। और जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से यहाँ पर कभी प्रॉब्लम्स आती रहती है यहाँ पर हेल्थ इशू, तो हर एक को यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर यही इन्फ्यूज करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंपनी के साथ इनके टाई अप्स भी है, तो ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। और एक बार जाके आप चाहे तो इनकी प्रोडक्ट्स को एक बार जांच सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को देख लीजिए किस तरीके से ये यहाँ पर प्रोडक्शन करते हुए नजर आते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आ जाएगी, देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ, तो आपको पता चल जाएगी किस इंडस्ट्री को कौन कौन से क्लाइंट्स है वो भी यहाँ पर दे रखा होगा, तो एक बार जाके यहाँ पर देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, तो मार्केट कैप 95 करोड़ रुपए की कंपनी है, ओके। तो माइक्रो कैप कंपनी, और माइक्रो कैप कंपनी कैसी होती है, ऐसी होती है कि यहाँ पर जब गिरेगा शेयर तो यहाँ पर आपको पता है इस तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा, आप सोचेंगे कि हमारी वेल्थ पूरी लुट गई, बट जब भागेगा तो ऑब्वियसली बात है इसी तरीके से भागेगा कि 20 रुपए वाला शेयर यहाँ पर आपको 150-200 रुपए पे होता हुआ नजर आएगा। तो ये छोटे छोटे शेयर इसी तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं, बट बहुत सारी चीजें होती है अगर उसे आप माइंड में रखते हैं देखते हैं तो याद रखिए अच्छा खासा पैसा यही बनता है। आप सोचेंगे कि ब्लू चिप्स कंपनी में खरीदूंगा और पैसा यहाँ पर मैं मेरे 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे तुरंत के तुरंत, तो ऐसा नहीं होने वाला, बट इन कंपनीज के साथ ऐसा है क्योंकि ये अपने जो छोटा परिंदा होता है ना वो जितना आसमान को चाहे उतना नाप सकता है, बट बड़े परिंदे एक ही जगह पर जाके फिर दोबारा वापस आ जाते हैं क्योंकि वो दृढ़ इच्छा भी और डिटर्मिनेशन वो सब चीज मैटर करती है। तो ये छोटी छोटी कंपनी है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो यहाँ पर इसे कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है वो ये खुद भी नहीं जानते।
तो इसलिए हम बात करें पी रेशियो, तो यहाँ पर देखिए 14 का पी है, इंडस्ट्री का पी 23 का है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर अभी इंडस्ट्री के मुकाबले में सस्ता चल रहा है। आरओसी आरओई 13 और 9% के आसपास है, जो कि छोटी कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक है। डेट की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। पीजी रेशियो कम है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें, पिछले 5 साल में 38% के हिसाब से बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। सेल्स की बात करें, सेल्स थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, ये लगभग 4% के हिसाब से बढ़ी है, ज्यादा यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा 95 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद से अभी की बात करें तो लगभग 70 रुपीज के आसपास शेयर चल रहा है, और 10 रुपए की क्या है इसकी फेस वैल्यू और बुक वैल्यू के आसपास ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, छोटी कंपनीज है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आया, अब कंसोलिडेशन फेज में है। बट मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहाँ पर चार्ट में आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स, कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर ऐसे कम होती हुई नजर आई, फिर दोबारा बढ़ती हुई नजर आई, और अभी देखेंगे तो हाईएस्ट लेवल लगातार यहाँ पर 27 करोड़ से 39 करोड़ की सेल्स हो गई है। ओके, और हाईएस्ट लेवल सेल्स है पिछले 12 क्वार्टर की। एज वेल एज प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ही, एक बार कह सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो इस जगह को छोड़ते तो हाईएस्ट लेवल ही प्रॉफिट है 2.85 का। ईयरली बेसिस पे बात करें तो मार्जिन पे थोड़ा सा इफेक्ट है, 11.49 से 10.95, तो लगभग लगभग कुछ पॉइंट का फर्क है यहाँ पर। बट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। ओके, एज वेल एज यहाँ पर बात करेंगे कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो वैसे देखेंगे तो 1.61 से सीधे 2.15% हुआ है। एक कुछ टाइम पहले मैंने ही एक ऐसी कंपनी के से रिलेटेड आपको रूबरू कराया था, और उस टाइम मैंने आपको बताया था किस तरीके से वो कंपनी यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही है, तो उस कंपनी के बारे में भी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक बार चले जाते हैं। वो भी एक छोटी सी कंपनी है, सुनील हेल्थ केयर। ओके, 38 रुपए पे स्टॉक्स बताया था, 105 114 रुपए पे जाके आया है, और देखिए अभी भी रुक नहीं रहा है। तो ये भी छोटी सी कंपनी थी, अगेन मैं आज जिस कंपनी से बातें कर रहा हूँ ये भी छोटी सी कंपनी है। अब देखिए ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ ना कि किस तरीके से जो ये बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पर देखिए एक मिनट, जो ये बड़े बड़े लोग हैं विजय केडिया, जो मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात करता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पर शेयर को चुनते हैं, तो मैं इन पे ही रिसर्च, एक तरीके से कह सकते हो कि मैं इन पे ही रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये रिसर्च के मुताबिक ये शेयर बिल्कुल परफेक्ट बैठता हुआ नजर आता है। ओके, और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है, एकदम फ्लैट यहाँ पर मार्जिन आ रहे हैं, नो डाउट। ओके, और यहाँ पर देखा जाए कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स, प्रॉफिट का रेशियो देखिए हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जब यहाँ पर सब चीज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर शेयर नहीं भागेगा। और यहाँ पर कुछ चीज दिखाता हूँ, 2017 में कितना, 186 186 रुपए पे ये शेयर चलता था। 2017 पे आ जाते हैं हम, 2017 ये रहा, और 2017 2018 कुछ भी ले लीजिए, 2017 2018 1 करोड़ और 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 6 से 7 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 1 रुपए का ईपीएस था, 4 से 4.5 5 रुपए का ईपीएस हो गया। मतलब क्या है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 11 का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए 12 और 11 के आसपास का मार्जिन था, वो 11 का मार्जिन है। ओके, मार्जिन पर थोड़ा सा बस असर है, बाकी फ्लैट ही कह सकते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर शेयर अब कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, याद रखिए एक आध क्वार्टर के और नंबर आए ये शेयर आपको यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, बिलीव मी। रिजर्व्स की बात करें, 53 करोड़ के रिजर्व से लगातार बढ़ रहे हैं, बोरिंग लगातार कम हो रही है, 48 करोड़ से केवल 3 करोड़ रह गई है, तो ये कंपनी काम कर रही है, काम कर रही है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर बात करें कैश की, कंपनी के पास यहाँ पर देखिए लगभग 10 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, छोटी सी कंपनी, 10 करोड़ का कैश, डेट फ्री शेयर, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पर गौर करना चाहिए। प्रमोटर्स का 38.98% के शेयर, और एज इट इज इन्होंने अपने शेयर रख रखे हैं, ना ही खरीद रहे हैं ना ही बेच रहे हैं। पब्लिक की बात करें, 61% के शेयर दिख रहे हैं, बट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्हीं की कुछ होल्डिंग कंपनीज होंगी। ओके, उन्होंने ले रखे हैं लगभग 42% के शेयर यहाँ पर ले रखे हैं, तो लगभग 19% के शेयर ही यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है जो कि यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। अब मैं आपको इसके चार्ट की बात करूंगा, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर शेयर लगातार यहाँ पर मुझे भागता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन दे रखी है, ट्रेंड लाइन में भी देखिए यहाँ पर आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा, जब भी गिरा है तो इसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए नीचे आया है। अब क्या, तो अब सिंपल सी बात है, ये जो लेवल है ना, जिस दिन इस लेवल को इसने निकाल दिया, जो आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट बता देता हूँ, 73 हो गए, लगभग 4 रुपए और ऊपर,
4 रुपए के लेवल को इसने ऊपर निकाल दिया। सबसे पहले ये शेयर यहाँ पर जाएगा 84 पे, फिर ये यहाँ पर जाएगा 93 पे। तो ये तो इसका अभी 52 वीक हाई की बात चल रही है, जो कि यहाँ पर ये मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अंदर यहाँ पर आप पहुंच जाएगा और 36% के, और शायद इसी क्वार्टर में पहुंच जाए और 36% के आपको रिटर्न दे दे। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात जो यहाँ पर शुरू होती है ना वो यहाँ पर चलती है ऑल टाइम हाई की, कि शेयर जिस तरीके से गिरा था अब उसी तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों भागता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले तो ये पॉइंट। ओके, मंथली चार्ट पे बात कर रहा हूँ तो मंथली की बात करूंगा। ये देखिए, ये जो यहाँ पर कैंडल बनी है ना, ये एक तो बुलिश कैंडल है सबसे पहले। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर शेयर मुझे यहाँ पर सीधे लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस लेवल को इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर सीधे रुकने वाला है ये इस लेवल पे है। ओके, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर से भी इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल से ये क्रॉस हुआ तो सीधे इसे यहीं पर ही जाना है, और कहीं जगह ही नहीं दिख रही। 203 रुपए के आसपास का यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे दे, 1 साल जरूर लग जाएगा, 1 से 1.5 साल, बट ऐसे ही शेयर यहाँ पर मल्टीबैगर ऑपरेटर की नजर में आ गया तो शायद 2 4 दिन में ही, क्या कहते हैं, 1 2 महीने में ही यहाँ पर ये शेयर इस लेवल पे पहुंच जाए। 200% के नंबर्स, 200% के यहाँ पर साफ नजर आते हैं, और वो किस बेसिस पे, वो आप यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, उस बेसिस पे ये 200% के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, एज वेल एज रिस्क है, टू बी वेरी फ्रेंक, रिस्क है तो रिस्क है, और रिस्क है तो वही पैसा बनेगा। बट मुझे यहाँ पर जो चीजें हैं वो नजर आती है, पॉजिटिव पॉइंट्स ही नजर आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े बहुत नहीं यहाँ हो सकते हैं। और कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, इस लाइन के अगर नीचे टूटा तो सीधे, अगर मैं सपोर्ट की ही बात करूं कि यहाँ पर क्या सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे पहले तो यही सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट एक बेहतरीन सपोर्ट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये जो नीचे का लेवल दे रखा है यही एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। एज वेल एज अगर मैं वैसे सपोर्ट की और बात करूं कि अगर यहाँ से भी गिर गया तो क्या, तो अगर यहाँ से भी गिर गया तो शेयर यहाँ पर 50 रुपीज पे आ जाएगा, 20 रुपए पर शेयर पे, आपको एक तरीके से समझ लीजिए कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट मुझे लगता नहीं है 20 रुपए नीचे आएगा क्योंकि दमदार रिजल्ट है। ओके, यहाँ पर मंथली चार्ट पैटर्न कह रहा है कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा, जब सब चीज यहाँ पर आपके फेवर में है तो चीजें लेनी चाहिए, बेचनी भी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, दूसरी वीडियोस को देखिएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये यहाँ पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो हमें यहाँ पर हमारे इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे ऐसे शेयर और भी जान सकते हैं, छोटी सी फीस ली जाएगी और सब कुछ आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।